क्या ऐसी बीमारी है जो सोराइटिक आर्थराइटिस की नकल करती है? वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब कैसे डिफरेंशिएट करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सोराइटिक आर्थराइटिस से? इसके लिए कुछ सिंपल चीज़ें हैं, आप स्किन पे देख के बता सकते हैं, आप कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर मेरा एक जॉइंट लेफ्ट साइड में इन्वॉल्व हुआ है तो मेरा राइट साइड में भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा। सोराइटिक आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। नंबर टू, रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, सोराइटिक आर्थराइटिस में ऐसा कुछ मेल फीमेल का कुछ चक्कर नहीं है। थर्ड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू होता है 40 से 60 साल के बीच में नॉर्मली, सोराइटिक आर्थराइटिस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स स्किन पे भी देख के बता सकते हैं कि यदि किसी को सोराइटिक आर्थराइटिस है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके स्किन के ऊपर भी स्केल्स होंगे, नहीं तो उनके नाखूनों में गड्ढे पड़ चुके होंगे, उनके नाखून में पिटिंग ऑफ द नेल्स मिलेगा उनको। लास्टली, हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। दो ऐसी चीज़ें खून में देखी जाती हैं, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी CCP एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज। थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पर शॉर्ट रखूँगा कि ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सोराइटिक आर्थराइटिस से।